ठाकुर साहब कंधे में हाथ धर दे, अपने घर में हाथ में भोजन करा दे तो लोग खुशी हो जाते हैं। लेकिन हमारे लोग इज्जत सम्मान से अगर थाली में खाना खिला दे उसी का हम सराहना कभी नहीं। ये भेदभाव, ये ऊंच नीच की खाई आप लोग स्वयं खत्म करिए। हमारे महापुरुष कहते थे कि अगर अपने लोगों का कंधा पकड़ के चलोगे, हाथ पकड़ के चलोगे, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग क्यों दूसरे के पैर पकड़ते हैं? क्या आज जो हम समझा रहे हैं दोबारा कोई आएगा समझाने? कोई नेता अगर ये चीजें बता देगा तो आप उसके वोट देना ही बंद कर देंगे? सही है ना, हमको ना कोई नेता बनना है। हम तो आप जैसे एक मध्यम परिवार के ग्राम महाखेड़ा गांव है, आपके समाज का व्यक्ति हूँ। हमने भी बाबा साहेब के संविधान की बदौलत पढ़ लिख गए, वकील भी बन गए। आज हम इस जिले में, यहाँ तक कि चारों मंडलों में, चारों जिलों में, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, पूरे चारों जिलों में मिशन को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं और पहुँच रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, ताकि जो समाज के महापुरुषों ने हमारे लिए किया उनके थोड़ा सा एहसानों का कर्ज हम उतार सके, थोड़ा सा कर सके। क्यों? क्योंकि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, उनके संविधान की। अगर वो उस रास्ते में चले गए होते, शिक्षित ना हुए होते, देवी देवता और जाने क्या क्या अपना लिए होते, तो आज समाज देश कहाँ होता बताओ। जो देश के लोग संविधान बनाने के टाइम आपके रहबर को ढूंढ रहे थे कि कोई देश में मिल जाए था जो आपके देश को आजाद तो हम कर देंगे, लेकिन ये चलेगा कैसे, संविधान कानून कैसे लिखा जाएगा? तब सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम। और जिनको हम आज सत्ता में बैठा देते हैं, राजा की कुर्सी दे रहे हैं, पूरे देश की कमान सौंप रखी है, उन्हीं लोगों ने बाबा साहब को सदन में नहीं घुसने दिया। हमको कहा जाता है कि मुसलमान आपके दुश्मन है, हिंदुओं के दुश्मन है। वही मुसलमान थे जिनकी वजह से संविधान लिखा गया, उन्होंने बाबा साहब को जिता करके सदन में भेजा था। तब आज संविधान लिखा गया, तब हमको हक अधिकार मिला। हमको बोला जाता है, चुनाव के टाइम बोला जाता है कि आप सब हिंदू हैं। चुनाव आते ही हम लोग हिंदू हो जाते हैं। जब हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं, जब हम संविधान की बात करते हैं, जब हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान की बात करते हैं, शिक्षा चिकित्सा रोजगार की बात करते हैं, तो हम फिर से वही खटिक चमार पास हिरगढ़ लिया, फिर भी वही छूट रसूद। समय रहते जागरूक हो जाइए, वरना जा वो दिन दूर नहीं है। क्या शिक्षा खत्म हो गई, चिकित्सा खत्म हो गई, रोजगार खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, सारी चीजें प्राइवेट हो गई, हमारे बहुजन समाज के लोगों की विचारधारा में ताला लगाया जाता है। अगर हम बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर जेल हो जाती है और मंत्री जी को 50 लाख का इनाम रखा जाता है गर्दन काटने के लिए। सिर्फ बाबा साहब की प्रतिज्ञा पढ़ने पे हमारे लोगों की गर्दने काटने के लिए 50,000 इनाम रखा जाता है। वो दिन दूर नहीं है क्या फिर से उन गुलामी की भेड़ियों में जकड़ जाएंगे और दोबारा गुलामी की भेड़ियों से छुटाने के लिए दोबारा बाबा साहेब पैदा होने वाले नहीं? इसलिए ये जो समाज पढ़ा लिखा होकर के शहरों की तरफ और देश विदेश चला गया, हमारे लोगों को वहीं छोड़ करके, जिसकी जिम्मेदारी थी कि अपने समाज को साथ लेकर के चले, वो साथ लेकर के नहीं गया। ऐसे लोगों से साथियों सावधान हो करके, अगर वो नहीं समझ रहे मिशन की भाषा, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप समझिए बाबा साहेब के संघर्ष को और वफादार बनिए कि बाबा साहेब उस समय, जिस समय हम नहीं बीते, हमारे दादा परदादा थे, उस समय बाबा साहेब अकेले संघर्ष किए और कैसे लड़ा होगा वो अकेला बैठा। को चौदार तालाब में सन 1927 में पानी तक पीने का अधिकार नहीं। हम लोग तो पानी पीने के लिए संघर्ष करके आए, बताइए यहाँ तक जो लोग आपको पानी नहीं पीने देते थे, जो लोग आपको पानी एक चुल्लू नहीं पीने दिए तालाबों में, नालियों में, नदियों में, आज वो दलित हितैषी की बात करते हैं, आज वो संविधान की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में बिना बाबा साहेब की बात के किसी की राजनीति चलने वाली नहीं। लेकिन हमारे लोग उस रहनुमा का कर्ज, उसका एहसान नहीं समझ रहे। क्या दिया बाबा साहेब?
सब कुछ तो दिया, अपने चार चार बच्चे आप लोगों के लिए तड़प तड़प के उनके बच्चे मर गए, भूख प्यास से मर गए, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते, बाबा साहब के बच्चों के लिए कफन के लिए पैसे नहीं होते थे उस समय कि अपने बच्चे पे कफन डाल दे। उस दौर से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है आप लोगों, लेकिन हमारे लोग एक मुर्दे के समान, जिसका कोई जमीर नहीं, जिसका कोई स्वाभिमान नहीं। और आपके महापुरुष देश की पूरी दुनिया पूछती है, पूरी दुनिया सलाम करती है, लेकिन हमारे लोगों की मूर्खता ये है कि वो समाज अंधविश्वास पाखंडवाद में पढ़ के दूसरे को बाप को बाप बनाए हुए हैं, जिनको कभी देखा नहीं, जिनको कभी सुना नहीं, जिसकी कभी आज तक कृपा न हुई, उसको हमारे लोग आए दिन पूछते हैं, उनको हमारे लोग उनके नाम पे व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं। आप बताइए, देश जब भारत देश आजाद हुआ, ये बच्चों बैठ जाओ ना यार, लड़कन का पीछे गए थे उस समय इस देश में देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ कितनी थी? हमारी माताओं बहनों को इसके बारे में ज्यादा मालूम रहे। जब ये भारत देश आजाद हुआ उस समय देवी देवताओं की जनसंख्या 33 करोड़, सुना है ना आप लोगों ने? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने भी सुना है। और उस समय भारत देश की जनसंख्या 30 करोड़, यानी कि 3 करोड़ देवी देवता ज्यादा, फिर भी आपकी गरीबी नहीं मिटा, फिर भी आपकी जाति नहीं मिटा सके, आपका जातिवाद छुआछूत भेदभाव नहीं मिटा सके, आपके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए, आपको पानी पीने का अधिकार नहीं दिला पाए, आपका मकान नहीं बना पाए, आपको नौकरी नहीं दिला पाए, आपको शिक्षा नहीं दिला पाए, आपको चिकित्सा नहीं दिला पाए, जबकि 3 करोड़ ज्यादा थे आप लोग, देवी देवता 33 करोड़ थे।